विंध्य प्रदेश का निर्माण वर्ष 1948 में हुआ और विंध्य प्रदेश के बनने के बाद यहाँ पर विंध्य प्रदेश के विलयन यानी विंध्य प्रदेश को दूसरे प्रांत के साथ मिलाने के का षड्यंत्र हुआ, उसका भारी विरोध हुआ, हम लोगों ने किया। यहाँ तक कि गोलीकांड हुआ और 2-3 लोग उसमें गोलीकांड में मारे गए और वो विलयन रुका। विंध्य प्रदेश 1952 से लेकर के 1956 तक अलग अस्तित्व में रहा। उस समय इसका विकास बहुत हुआ है, शहर का भी विकास हुआ और विंध्य प्रदेश के लोगों का भी विकास हुआ। जो भी विंध्य प्रदेश के एरिया में रहे हैं, जितने जिले, उनका भी विकास हुआ है। जितना भी आपको ये सिविल लाइन दिखाई पड़ता है, आज कुछ सड़कें दिखाई पड़ती हैं, कुछ उद्योग दिखाई पड़ते हैं, वो उस जमाने के ही हैं जिस जमाने में यह विंध्य प्रदेश रहा है। शहर का काफी विकास हुआ है और हम समझते हैं कि शिक्षा की वृद्धि और साथ में विकास के नए आयाम यहाँ पर काफ़ी तौर से जुड़े हैं और जिसकी वजह से रीवा शहर का भी काफ़ी विकास हुआ है और भी विकास होने की संभावना है। विंध्य प्रदेश के बाद, इसके टूटने के बाद, इसके समाप्त होने के बाद इसकी अवनत तो हुई है। कुछ पूरे विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे शहर में कुछ विकास हुआ है लेकिन वे उनकी वजह से, किसी की वजह से नहीं हुआ, ये हम लोगों की वजह से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से कुछ भी नहीं हो, विनष्ट हो रहा, हम लोगों की वजह से हुआ है। पहले अगर आप देखें तो कोठी कंपाउंड में क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बाद जब हम लोगों की सरकार रही है तो इस शहर का पूरी तरह से इसका नया लुक मिल गया है, नए तरीके से दिखाई पड़ रहा। शिल्पी प्लाजा अचानक आ भी गए हैं, बैठे हैं, आइए इधर आ जाइए, राजन शर्मा, इन्हीं को काम दिया गया था, हम लोगों ने दिया था। और उस जमाने में जब वो नहीं बना था शिल्पी प्लाजा, तो अगर आप जाते तो देखते जो आदमी रहे और जो बाद में आए तो उनको पहचान में नहीं आता था कि रीवा शहर है कि नहीं है। ये हालत हो गई थी।